कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो जी मिस्टर मल्होत्रा जी, डेफिनेटली श्योर, ओके तो ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूं। आज रात में आपकी फ्लाइट है। ऑलराइट, मैं अभी निकलता हूं आपसे मिलने के लिए। सी यू। भाभी ये झूला है, फैन इंडिया की कुर्ती नहीं है जो आप दुपट्टा मैच कर रहे हो। वैसे सीरियसली भाभी, क्या आप इन दुपट्टों से इस झूले को डेकोरेट करोगे? अरे जैसे मैंने अपने बेड को किया था वैसे ही। पर वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब देख ले, जब ये तैयार होगा ना तो इतना ड्रीमी लगेगा। वैसे हाँ भाभी, भैया का रूम ना थोड़ा बोरिंग सा है, मे बी कुछ अच्छा लगेगा। आई नो, ऐसा लगेगा कि भैया ना किसी सस्पेंस मूवी से निकल के सीधा रोमांटिक मूवी में चले गए हो। भाभी भैया ये सब बदलने के लिए मान गए? ऑफ कोर्स, मैं उनकी बीवी हूँ, पंगा थोड़ी ना लेंगे मुझसे। मुझे पता है ये उनका रूम है, लेकिन तुम तीनों के भाई इतने स्वीट है ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो करना है कर लो। अब जब मिस्टर दीक्षित ने कहा जो करना है कर लो, तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। सो गर्ल्स, लेट्स मेक दिस आर्ट फिल्म रोम कॉम। सोनाक्षी, रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज, एक और सरप्राइज। ये क्या झूले का क्या हाल करके रखा है? मैंने इतनी मेहनत से, इतनी मन से सब कुछ सजाया। अब सोचो मैं ऐसा पति होता तो। नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे थे। अब ये मत कहना मैं फनी नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर। ओके ओके, मेरा नाइटवेयर कहाँ है? सही होगा कबर्ड में। नहीं है यहाँ पर, नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, बच्चा आया था क्या? सब इतना बिखरा क्यों पड़ा है? Come on, सोनाक्षी, इस वक्त मजाक मत करो मेरे साथ। ओके ओके, पर मैं ऐसी भाई। आप एक नाइट सूट नहीं ढूंढ सकते? रोज तो पहनते हैं, कैसे पहनते हैं? रोज माँ सबसे ऊपर रखती है ना, आज नहीं रखा, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। देव, टाइम तो देखिए, अब आप जाके माँ से पूछेंगे कि मम्मा मम्मा मुझे मेरा नाइट सूट दे दो। इसमें क्या शर्म की बात है? लेकिन अभी देर हो गई है, माँ सो गई होगी। लेकिन मुझे मिल भी तो नहीं रहा है ना। ये 5 साल वाले बच्चे की तरह सैड फेस बनाना बंद कीजिए और ढूंढिए, यही होगा आपके कबर में। सोनाक्षी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है और मैंने कभी किया भी नहीं। पता है देव, मैंने एक टीवी शो में डायलॉग सुना, जब वक्त को भी बदलना पड़ता है तो इंसान क्या चीज है। मिस्टर इंसान, चाहिए बदलिए अपने कपड़े, वैसे अब से आप अपना सारा काम खुद करेंगे और माँ को भी रेस्ट मिलेगा। यही पहन लेता हूँ मैं, जो और कुछ मिल भी नहीं रहा। देव, ये तो फॉर्मल्स है, क्या आप सपने में जाके ऑफिस में काम करेंगे? आई डोंट केयर। अरे देव, तो सच में बच्चों की तरह माँ पे डिपेंड करते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मिसेस दीक्षित, सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखता है। शादी करने का बेस्ट पार्ट है, आई लव दिस। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जल्दी पहुंचना है। क्या कर रहे हो? लग गई ना आपको, अब देख के नहीं चल सकते क्या? एक तो मुझे चोट लगी ऊपर से, तुम मुझे मेरी गलती बता रही हो, इस स्टूपिड सा झूला बीच में रखा हुआ है। एक तो मैंने तो दिखाई, कहाँ लगी आपको? इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। दिखाई एक तो इट्स ओके।
उठिए सुबह सुबह चोट लग गई बेचारे मिस्टर दीक्षित। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग भाभी। बैड मॉर्निंग भैया, क्या हो गया? लड़खड़ाने के दिन तो रिया दी के हैं, आपको क्या हो गया? चुप कर वरना सच में तेरी डाइटिंग शुरू करवा दूंगा। मुझे लगा कि सिर्फ पांव पे चोट लगी है, दिल पे भी लगी है। निकी तंग मत कर उन्हें, वो झूले से टकरा गए थे ना। यू मीन लड़खड़ा गए? हो गया तुम्हारा हंसी मजाक, ऑफिशियल है मिस बॉस। डॉक्टर बॉस आज देर से जाएगी, सुबह सुबह पेशेंट्स नहीं है मेरे। फाइन, मैं चलता हूँ। निकी यार देख, फालतू का नाटक मत कर यार। ए, नाटक करोगे आप और ड्रामा स्कूल में जाके नाटक आप ही करोगे, समझे? मैं तो बचपन से बॉन्ड स्टार हूँ। इतनी बदतमीज है ना, आज रात तो मत कर ये सब। स्मॉग बाहर है, तुम दोनों यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों कर रहे हो? इसको देखो ना निकी की बच्ची, ये खुद ही ना एक एक्सीडेंटल केस है। भाभी आज रात को मुझे ये इयररिंग्स पहने और ये दे नहीं रही है, खुद लेके बैठी है। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, तभी तो आज रात को आया। आया कौन? आया आया रे आया, कोई तो आया। आया मौसम दोस्ती का। आया आया अटरिए पे कोई चोर। भाभी आपने ना मुझे संगीत का गाना याद दिला दिया। तुझे तो नानी की याद भी दिला सकती हूँ। चल इयररिंग से इसके। ठीक है, याद रखना, खुद से ले रही हूँ, खुद से ले भी सकती। अच्छा रिया सुन, मैंने कुछ ना नए हेयर स्टाइल सीखे हैं, तो मैं ही बाल बनाऊंगी या तुम्हारी? ऑफ कोर्स भाभी, आप ही बनाना। ओहो हो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। अरे देव कब से आया हुआ है, उसे कुछ चाहिए होगा तो कौन ध्यान रखेगा? मामी जी देव की तो अपनी कंपनी है, वो तो जब चाहे आ सकते है जा सकते है, लेकिन मैं किसी और के लिए काम करती हूँ तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और देव ये बात तो जानते हैं, समझते भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो अपने कमरे में अकेला बैठा है बेचारा, और जीजी का तुमने उस कमरे में आना जाना बंद करवा दिया है। अब क्या है ना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है इस घर में। नहीं मामी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। माँ जब चाहे आ सकती है हमारे रूम में, और जितना वक्त स्पेंड करना चाहती है उतना वक्त स्पेंड कर सकती है हमारे रूम में। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो वहाँ का कोई काम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ रेस्ट करे। और वैसे तो देव और मैं है ही अपना अपना काम करने के लिए, वैसे हर चीज में माँ पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता ना। आपको लगता है कि भाई अपने काम खुद करेंगे, मतलब अपने कपड़े वगैरह खुद संभालेंगे? हाँ नेहा, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये सब तो खुद ही करना चाहिए ना। और वो मान गए? ऑफ कोर्स मानेंगे ही ना, भाभी कुछ बोले भैया ना माने ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना भैया आजकल ना वो टाइप्स हो गए, क्या कहते हैं उसे, चोरू का नहीं जोरू का गुलाम। चोरू का गुलाम? यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, बस वो एक अच्छे हस्बैंड है। भाभी आपको नहीं लगता कि आप अपने और भाई की केमिस्ट्री का बाजा कुछ ज्यादा ही बजाती है? ऐसा लगता है कि इस घर में दो दुनिया चल रही है, एक आपकी और भाई की जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां है, और एक इस घर के बाकी लोगों की जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। आई होप माँ ने उनकी मदद नहीं की है, उन्हें खुद सीखना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।